और बारिश बहुत ज़्यादा लग रही है, देख रहे हो इधर भी भर रहा है पानी, फिर से लग गई बारिश, अभी रुकी थी अभी फिर रुक लग। आजकल आलसी बहुत ज़्यादा हो गए। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और अभी आप आवाज़ सुन रहे होंगे ठीक है, जो मेरे पीछे वो है कि बारिश लग रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश लग रही है। गुड़गांव में इतनी तेज बारिश है कि कुछ कहना ही नहीं है। अरे मेरे को भी ड्यूटी जाना है, पर यार ड्यूटी आज कैसे जाऊं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज है यार। सो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, मुझे पता है आप सभी लोग बढ़िया हैं। तो आज का दिन शनिवार का दिन है और मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो गया हूँ, आगे से रेडी हो गया हूँ, पर बाहर लग रखी है बारिश, बारिश की वजह से मैं यहाँ निकल नहीं पा रहा हूँ, पर अभी निकलना ज़रूरी है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। डेली वीडियो तो मैं ला रहा हूँ, पर मेरी वीडियो में ना उतने कुछ खास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो यार क्या करें, कुछ मेहनत तो करनी। तो हमने कल का प्लान बना रखा है घूमने का, संडे का मॉर्निंग में जाने का, अब देखते हैं वो सक्सेस होता है या नहीं होता है। दो चार दोस्तों से बोल रखा है जाने के लिए, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं कि यार आजकल आलसी बहुत ज़्यादा हो गए, यू नो आलसी, आप समझते होंगे आलसी ज़्यादा हो गया, क्योंकि यार मैं ज़्यादा सो रहा हूँ, लेट नाइट सो रहा हूँ, सुबह देर तक उठ रहा हूँ, तो ये हैबिट तो मेरे को अपनी चेंज करनी है यार, आजकल बहुत गंदी आदत हो रही है, क्योंकि मेरे को अपनी आदत सुधारनी है। मुझे नहीं पता कि मेरी वॉइस कैसे आ रही है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं भाई, मैं ड्यूटी के लिए हो गया हूँ रेडी, ड्यूटी जाना है, काम पे जाना है, लेकिन आप लोगों से बात करना भी तो ज़रूरी है, वीडियो बनाना भी तो ज़रूरी है, क्या करें वीडियो बन नहीं पा रही है ना। तो वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है ये चीज़ बताना, और यार वीडियो को अगर वीडियो में नहीं होना तो लाइक कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली। ऊपर से भाई भैया भी देख रहे हैं ठीक है, ऐसी ऐसी जगह वीडियो बनानी पड़ती है यार, लोगों से छुप छुप के देखते हैं, कॉमेंट करते हैं क्या कर रहा है तू भाई, इन्हीं में तो कर क्या रहा है ये तो बता दे, हैं फोन पकड़ लेता है ठीक है, और वीडियो बनाना शुरू। अब आने वाली है दीपावली, दीपावली में हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं हम तीनों भाई कि इस बार गांव घूम के आए, है ना, गांव घूम के आते हैं और गांव से आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आते हैं ठीक है। आप गांव, मेरा गांव उत्तराखंड है, जिन लोगों को पता है बढ़िया है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और उत्तराखंड का जो मौसम हो रहा है ना भाई क्या ज़बरदस्त, लेकिन ये पर्दे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे ना, बताओ कैसे अच्छे लगेंगे, ऐसे अच्छे लगेंगे है ना, तो कुछ कुछ फन करना पड़ता है। मैं भाई उत्तराखंड अपने गांव दो बार बाइक में जा चुका हूँ, अपनी बाइक से ठीक है, सिंगल अकेला, और नहीं एक बार भाई के साथ यहाँ से लेके गया था, एक बार वहाँ से लेके आया था भाई को ठीक है, तो दो बार मैं चले गया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपनी ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं बनाया ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेरा लंबा टूर है 600 किलोमीटर का है ठीक है, 650-650 किलोमीटर मैंने राइड किया है ठीक, उत्तराखंड की हर एक वीडियो में इतनी स्पेशल होने वाली है ना भाई, इस बार तो पूरा तहलका मचाने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त का और बहुत ही कहर होने वाला है जो हमारी वीडियो आने वाली है उत्तराखंड की, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही बढ़िया होने वाली, क्योंकि भाई एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने ये चीज़ मिस कर दिया कि सावन का महीना, ये जो बरसात का मौसम है ना, इस टाइम पर हम जा नहीं पाए, इस टाइम का मौसम भाई औसम है, औसम है, उठना सुबह बहुत जल्दी है ठीक है, ये वो इंसान बता रहा ना आपको उठना सुबह जल्दी है जो खुद नहीं उठता, तो भाई खुद उठेंगे उसके बाद आपसे बात करेंगे है ना। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं कि गुड़गांव में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यार, काम को तो आज जा नहीं पाए, लेकिन बारिश का देखो क्या मौसम है, क्या हाल है, इतनी ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश है, अभी कहीं जा भी नहीं सकते, काम कर भी नहीं सकते। सो गाइस जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं मैं सीसी स्कूल पे हूँ, और बारिश बहुत ज़्यादा लग रही है, देख रहे हो इधर भी भर रहा है पानी मेरे पीछे, और रोड में अगर आप देख रहे हो तो भर गया है, और मेरी बाइक कहाँ खड़ी है, नहीं इधर को नहीं, इधर को आप देख रहे हो मेरी बाइक पानी में डूब चुकी है, और मैंने जूते पहन रखे हैं वो भी गीले होने वाले, फिर बारिश देखो फिर से लग गई बारिश, अभी रुकी थी अभी फिर रुक लग गई है, तो भाई आज तो काम करने का, काम का पूरा चौपट हो गया, काम हो नहीं पा रहा है, अभी बैठा हूँ मैं ठीक है, तो भाई बारिश साला फिर लग गई है, आप इधर को देख रहे हो इधर भी भर गया, अंदर गार्डन भी भर गया है, रोड तो पूरी भर ही चुकी है, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया गुड़गांव का। घर पर आ गया हूँ,
अभी मैं मार्केट मतलब जॉब के लिए गया था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा, सोच रहा था छत पे जाऊँ, ठीक है, पर छत पे जाने जैसा भी नहीं हो रखा क्योंकि बारिश लग रही है। छत पे जाने से तो अंदर ही बैठना पड़ेगा आज मेरे को। तो आज मैं सोच रहा हूँ वीडियो जितनी भी अपनी बनी है एडिटिंग करूँ, और आज का दिन तो हमारा कुछ ऐसे चले गया है ना, अभी बज गए 4 बज गए हैं, कुछ खाने मतलब अभी सोच रहे हैं पकौड़ी बनाने का, चाय और पकौड़ी वो खाने का मन कर रहा है, तो अभी फटाफट जाते हैं मार्केट। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं वॉइस जो क्वालिटी इसकी आ रही है ना, फैंटेस्टिक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त की इसकी जो वॉइस क्वालिटी आ रही है, तो ऑसम इसकी वॉइस क्वालिटी आ रही है। और अभी मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन भी कर दिया, तो स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया कर रहा है। एक्चुअली क्या था ना, पहले मुझे एक चीज़ का डाउट था, मतलब ये पता है, मैंने उस दिन मैंने वाला अच्छी तरह देखा नहीं, ये नहीं चीज़ देखा कि यार मैं ओपन कैमरे से शूट कर रहा था तो इसका वॉइस क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं आ रही थी जितनी अभी आ रही है, ठीक है। अभी मैं कोई अदर्स ऐप यूज़ नहीं कर रहा, इसका जो रियल कैमरा है उससे शूट कर रहा हूँ, और अपना माइक मैंने इस पर लगा रखा बोया का, सिंपल सा इसका कनेक्टिविटी है ना। आज बारिश लग रही है तो हम क्या लेंगे पता है, चाय पकौड़े। तो अभी पता क्या हुआ कि मैंने मम्मी से मंगाया हरी सब्जी का, मेरे को हरी सब्जी के पकौड़े खाने में अच्छा लगता है, ठीक है, पर हरी सब्जी यार मिल नहीं रही। कौन है भाई, ऊपर से एकदम पानी फेंक दिया। मैं अभी जा रहा हूँ दूध लेने, भाई मेरे अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट हुए हैं पर मुझे ये नहीं पता है कि शायद हरिंदर ने डाले हैं मेरे। ओ भाई मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह, भाई आधे घंटे की बारिश में इतना पानी भर जाता है गुड़गांव में, आप देख सकते हो, वो देखो भाई आ रहा है। ओ भाई क्या पानी, बारिश है यार गुड़गांव की, साला यही हालत है, ये देखो देखिए आ रहा है भैया। दूध दे देना है, अरे हमारा तो सामान दे दो। दीप दा ब्लॉग दो चल, दीप दा ब्लॉग, दीप दीप दा ब्लॉग, बिल्कुल भाई देखना, थैली दे दो हमें वापिस दे दो यूट्यूब। तो भैया देखो हमें ये वाले डॉलर दे रहे हैं, ठीक है, ये यार कोई लेता कोई नहीं है, देते सब है ना भैया, दूसरे दे दो हमें है? इसकी कोई कीमत ही नहीं है, लेते सब है देते कोई नहीं है, देता सब है लेते कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 दूसरे दे दो यार, जोड़ कहाँ दोगे आप, छोड़ दोगे, लाओ इसका वो दे दो फिर, टॉफी वगैरह दे दो, सेंटर फेस दे दो। तो कुछ लोग तो आपको मिल ही जाते हैं ना, तो इन्जॉय करो हर चीज़ को, एक इग्नोर करना सीखना ज़रूरी है यार, है ना लाइफ में। तो बारिश लग लगी है, आज बारिश का पूरा भरपूर आनंद लेंगे, तो आई होप आप लगी सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे, है ना। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी तो आपको रहना है, रुको, कहाँ जा रहे हो, छोड़ दी वीडियो इतने में, नहीं बाबा अभी तो वीडियो शुरू हुई है, अभी तो हम पकौड़े की वीडियो भी आपको दिखाएंगे, पकौड़े कैसे मम्मी बना रही है भाई पकौड़े, और दही भी लेके आ रही है मम्मी, दही के साथ पकौड़े, पर मेरे को अच्छे लगते हैं दही के साथ पकौड़े, बट डूट क्या है ना, पकौड़े तो अच्छे लगते हैं दही के साथ, लेकिन मैं पता क्या है, मैं वो भी बनाता हूँ क्या, चाय के साथ भी अच्छे लगते। जो भैया मिले थे वो कह रहे थे कि मैंने ट्राईपॉड लगा रखा था, माइक लगा रहा था, तो उन्होंने पता है मेरे से क्या बोला, उन्होंने मेरे से बोला कि यार कि ये क्या है, मतलब चूहे भगाने वाला है, तो डूड इतनी बेइज्जती, तो भैया बेइज्जती तो मत करो यार, ठीक है, चूहे भगाने के लिए नहीं है ये, करियर बनाने के लिए है ना, तो ये करियर का सामान है तो इसकी बेइज्जती नहीं यार, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, उनको पता नहीं था है ना, तो फिर उनको बताया मैंने ये क्या है, ठीक है, यूट्यूबर हूँ मैं, बताया उनके बाद उनको बताया, ठीक है, उसके बाद कोई बात उनको पता नहीं था तो इग्नोर, ठीक है इग्नोर करते हैं। तो अभी चाय पकौड़े खाते हैं, वेट चाय आ गई है, और पकौड़े दही के साथ, ठीक है पकौड़े दही के साथ पकौड़े खाने में मज़े ही कुछ और है, मस्त। तो गाइज सॉस के साथ भी खाने में मज़ा आता है, ठीक है, अभी मैं
अलग लेवल का, मुझे बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल वो मजा। सो गाइज वीडियो कर रहे हैं यहीं पे एंड, ठीक है, मिलेंगे आपको अदर्स ब्लॉग पे, अदर वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ऐसी नई इंटरेस्टिंग बढ़िया और गजब की वीडियो आप कर लेके आएंगे। सो मिलते हैं बाय कोई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।